भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। गंगा यहां खतरे के निशान को क्रॉस कर 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सुल्तानगंज में भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी के लेवल को देखते हुए सुल्तानगंज को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया, दुकानें पूरी तरीके से डूब चुकी है। अजगैबीनाथ गंगा घाट पर गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सीढ़ी घाट और नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। गंगा में SDRF की टीम निगरानी कर रही है। अगले 36 घंटे में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। संभावना है कि इस बार फिर साल 2021 की तरह गंगा हाईएस्ट फ्लड लेवल क्रॉस करेगी। भागलपुर में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इसके साथ ही सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ गंगा 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे का निशान यहाँ 34.50 सेंटीमीटर है, तो वर्तमान में जल की स्थिति 34.80 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 70 सेंटीमीटर बढ़ा है, यानी कि हर घंटे 3 से 4 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। इस तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से जो दुकानें हैं सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट पर जो दुकानें हैं वह पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। और वहां पर जो श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे आज से 3 से 4 दिन पहले, वहां जो है गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरफ जो पुराना गंगा घाट है यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, जो उत्तरवाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 15 अगस्त तक भागलपुर जिले में अलर्ट रखा गया है, खास करके जो बाढ़ प्रमंडल विभाग है, बाढ़ प्रमंडल भागलपुर और जल संसाधन विभाग दोनों पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भागलपुर क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर हर दिन, अभी जो है आज से 20 सेंटीमीटर हर दिन गंगा का जलस्तर भागलपुर शहरी क्षेत्र में बढ़ेगा। और जो कहलगांव में जो गंगा का जलस्तर है अभी खतरे के निशान को पार करने को है, चेतावनी लेवल वहां भी गंगा क्रॉस कर चुकी है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। खास करके जो सुल्तानगंज में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। बाढ़ प्रमंडल नियंत्रण विभाग जो है वह पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और किसी तरह की अनहोनी ना हो। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।